सुबह के 8 बजे है, अभी बाहर आया, बाहर लेके आया। अभी जूस मिल जाए तो अच्छी बात है ना। रास्ते में मैं पूरी खा रहा हूँ, अभी गरम गरम है, तो आओ दोस्तों पूरी खा लेते। प्रॉपर लिया यार, खाली ये इतना छोटा सा है और 15 रुपये में बोल रहा है यार, कितना महंगा बेच रहे थे इधर। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज एक फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि भाई मुझे लड़का हुआ है कि लड़की, आपको इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। मैं तो बनी रही इस व्लॉग के साथ। तो मैं तो गाइस, कल रात में बहुत ही मैं सोया भी नहीं था यार, 2 बजे तक सोया भी नहीं, इतना नींद आया भी नहीं, अच्छा भी इतना रो रहा था ना यार, बहुत ही क्या बताना। फर्स्ट डिलीवरी है ना भाई, इसकी वजह से ना भाई शुरू शुरू में जो दूध नहीं आता है ना, तो इसकी वजह से यार बहुत ही बच्चा बहुत ही रो रहा था। रात भर मैं भी नहीं सोया हूँ, 2:30 बजे तक रोता रहा। उसके बाद में बड़े डॉक्टर के पास गए, उधर ही नीचे में बड़े हॉस्पिटल में इधर ही, तो उसने पाउडर लिख के दिया, तो पाउडर लेके आया। फिर पाउडर लेके उसकी वजह से पाउडर दूध दूध पाउडर होता ना, तो उसको ही घोल के पिलाए, तो अभी शांत रहा रात में। तभी 2:30 बजे फिर सोया हूँ मैं, फिर तो 4 बजे तो फिर उठ गया भाई। और मैं आप लोगों को रात भर का व्यू आपको दिखाना चाहता था, लेकिन नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई क्या होता है कि रात भर यहाँ पे ना भाई चोरों चक्के बहुत ही घूमते रहते हैं यार, क्या बताना। मोबाइल पॉकेट सब हम अपने अंदर देना पड़ेगा, तो क्यों मालूम है कि भाई इधर चोरों चक्के, कौन चोर है क्या है किसी को पता नहीं रहता ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे पेशेंट आते रहते जाते रहते, तो इसकी वजह से रात भर खुला रहता है। तो इसकी वजह से ना भाई किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते कि कौन चोर है, कौन अच्छा आदमी है, कौन क्या है, किसी को पता नहीं लगता ना भाई। तो इसकी वजह से सब लोग, मैडम लोग, वो सिस्टर होती ना, तो वहाँ पे वो सब बता देती है कि अपना मोबाइल पर्स अंदर रख लो, क्योंकि यहाँ पे चोरी का बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे तो बहुत चोरी होती रहती है इसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। तो इसकी वजह से चेतावनी के लिए हमें बता देती है कि सब लोगों को अपना अपना मोबाइल अंदर डाल दो। लेकिन मैं इसकी वजह से मैं मोबाइल भी अंदर दे दिया रात में, 11 बजे दे दिया था घर पे, और आगे का व्लॉग वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो आप लोगों को पूरा नाइट का भी व्लॉग बना देता मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कैसा कैसे क्या है क्या नहीं इधर का। देखो, सुबह के 6:30 बज के निकल गए, अभी एक व्लॉग अभी अपलोड होने वाला है, मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, अभी लोडिंग भी चालू है, तो इसकी वजह से बाहर आया हूँ। तो अंदर क्या है ना भाई कि अपलोड नेटवर्क आता नहीं बाहर में, अंदर के अंदर, अंदर में अंदर है ना भाई नेटवर्क आता नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, बाहर में बाहर आना पड़ता है वीडियो अपलोडिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं बाहर आया हूँ, वीडियो अपलोडिंग चालू है अभी मेरा, इसलिए बाहर बैठा हूँ मैं, इधर रास्ते के ऊपर बैठा हूँ। अभी बाहर जाता हूँ मैं, और क्या हुआ कि फोन आ रहा है मेरे को सिस्टर का कि पानी गर्म करके लेके आओ, क्योंकि उधर पानी लाता मांगता है ना गर्म पानी, तो इसके वजह से अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ उधर, और गर्म पानी लेके फिर जाता हूँ मैं अंदर, देखेंगे क्या नहीं क्या चल रही है क्या मालूम। बच्चा अभी बहुत ही रो रहा है यार। हाँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुझे लड़का हुआ है कि लड़की है, तो व्लॉग को पूरा कंटिन्यू देखना भाई, पूरा लास्ट तक देखना। मैं भाई बाहर ही हूँ, वहाँ से आगे से मेन गेट है, रात भर खुला रहता है भाई, लेकिन कभी भी देखो भाई, कहीं पर भी जाते हो ना बड़े हॉस्पिटल में, तो ध्यान रखना भाई कि अपना नाइट में अगर रहते हो इधर कहीं पे भी, अगर हॉस्पिटल में जाते हो बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ना सावधान रहियो कि भाई कि अब बाहर रहते हो तो अपना मोबाइल पर्स अगर अंदर रखना ज़रूरी है भाई, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जाता है, कुछ भी क्या हो सकता है, कुछ भी अपना पर्स भी बटुआ या अपना चाबी या कुछ भी ले जा सकते हैं, कुछ भी जेब खाली कर सकता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। ये पहले का मेन गेट यही था, तो अभी उधर बना दिया ना, तो उसके मेन गेट से वो नया गेट से आ रहे बाहर, ये पुराना वाला गेट है बिलस, और यहाँ पे बहुत बड़ा पुराना दरगाह है, और यहाँ पे बहुत भारी पेशाब करते रहते हैं, और बाथरूम का सुविधा नहीं है पुरुष लोगों के लिए। धूप हो गया, अभी धूप निकल रहा है सुबह सुबह, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है देखो सुबह सुबह, और बगल में ऐसा इधर हॉस्पिटल है देखो। पानी गरम करवा के, पानी गरम करवा के लेता हूँ, फिर निकलता हूँ अंदर। तो आओ चाय पीते, गरम गरम सुबह सुबह चाय पीना जरूरी है भाई, थोड़ा थकान हो जाता है। गरम करके ले जा रहा हूँ ऊपर यार, अभी फोन आ रहा है। सुबह के 8 बजे है, अभी बाहर आया, बाहर लेके आया, अभी धूप में, अभी धूप भी निकल गया है। कल रात में यहाँ सोया हुआ था, और इस बेड पे, इस रास्ते पे यार कोई भी नहीं था, मतलब सब अकेले अकेले जितने बाहर बैठे ना सब बाहर इधर ही सोए हुए, अकेले अकेले साइड साइड में ऐसे, साइड में ऐसे सोए, चारों तरफ सभी सब सुनसान रहता है। बच्चे को भी अंदर भी ले गए अभी, सभी यहाँ पे आजू बाजू सभी बच्चे को अंदर लेके गए, अभी किसी का भी बाहर नहीं है अभी, तो बाहर धूप में सेकने के लिए थोड़ा सा लाए थे ना, अभी सब अंदर लेके गए अभी। लेकिन गंदगी बहुत रखी है भाई, साफ सुथरा मतलब बाहर का नीचे में बहुत ही मच्छर हो जाता है ना इधर, देखो पूरा गंदगी गंदगी भरा हुआ है, ये साइड में वो भी वो साइड में, लेकिन ऊपर में थोड़ा क्लीन रखते हैं,
ऐसा साफ करते, क्लीन अच्छा करते, लेकिन ये साइड में तो बहुत ही गंदा करते थे। देखो भाई यहाँ पे ऐसे ही कचरा सब कागज वगैरह ऐसे ही फेंकते, यहाँ पे सब मच्छर तो बहुत ज़्यादा होता है। देखो यहाँ साइड में बहुत ही कीचड़ कीचड़ है, बहुत ही गंदा रखते यार, बाहर साफ सुथरा क्लीन नहीं रखते, लेकिन ऊपर में जितना बाहर वहाँ पे रखते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ही क्लीन रखता है। लेकिन आप लोग बता देता हूँ कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही अंतर होता है। मतलब सबसे अच्छा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही स्वच्छता रखता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना गंदा क्यों रखता है क्या मालूम भाई, इतना ये नहीं करता, केयर नहीं करते सर। 3 मंजिले का है और इस वार्ड में ना सब चारों तरफ है ना पूरा इसका है, मतलब सब डिलीवरी पेशेंट ही रहता है इसमें, सब डिलीवरी हुए और जिस पेशेंट में जिस ये रूम में है ना वहाँ पे ना भाई सब ये सीजर डिलीवरी हुआ है उनका, उसको उसी वार्ड में सभी का जिनका जिनका सीजर हुआ है उसी को उधर ही अंदर डाले है सब। और बाकी के नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसे वो साइड में है, लेकिन ऊपर में भी है, उधर उधर भी है नॉर्मल है। और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और चाय और बिस्किट लेके आया था ना कुछ नाश्ता करने के लिए, अभी वही हाथ में मुँह धोने के लिए गए सिस्टर वगैरह, तो यहाँ से लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी पहुँचता आ जाते ना, जल्दी जाते लेके आता हूँ। मतलब सुबह सुबह चाय मैं तो पी लिया हूँ, लेकिन सिस्टर और मेरी मम्मी वगैरह मुँह वगैरह नहीं धोया था ना, तो इसकी वजह से मैं खुद जाके उन लोगों के लिए लेके आता हूँ जल्दी से, फटाफट बिस्किट और चाय सब लेके आता हूँ। 8 बज के निकल गए ना सुबह के, अभी कितने बजे, अभी 8:15 बज गए, अभी बहुत ही टाइम हो गया ना, तो बहुत भूख लगेगा ना भाई, चाय नाश्ता रहे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो इसकी वजह से अभी चाय लेके आता हूँ। और बाद में ना मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को, मैं मम्मी इधर रहेगी, सिस्टर को लेके जाऊँगा, दोनों सिस्टर को नहाने के लिए, उसके बाद में नहाना हो गया ना तो फिर शाम को लेके आऊँगा फिर, और फिर मेरी मम्मी को लेके घर ला के घर छोड़ के आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे को पिताजी को बहुत ही तकलीफ हो रहा है उधर, तो इसकी वजह से छोड़ने को तो जाना पड़ेगा ना। और जल्दी से फटाफट चाय लेके जाता हूँ गर्मा गर्म, रस्ते भी मैं पूरी खा रहा हूँ अभी गर्म गर्म है। आओ दोस्तों पूरी खा लेते, और ये पूरी भी ले लिया मैं सिस्टरों के लिए, यहाँ पे 3 प्लेट है उनको भी ले लिया और मैं भी खा लिया हूँ। और क्या बताऊँ यार आप लोगों को, यार बाहर का खर्चा ही बहुत ज़्यादा रहता है यार, वो लाना ये लाना, पानी का बोतल लाना वो लाना और खाना लाना, ये सब बाहर का ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन हॉस्पिटल में उतना खर्चा होता नहीं है, लेकिन खाली बाहर का ज़्यादा होता है भाई खर्चा, ये लाना वो लाना। कैसे बाहर भगा रहे, देखो यार सबको बाहर भगाते रहते यार, बहुत ही चिल्लाते रहते उधर नजर दरवाजे के सामने, रुकाते नहीं उधर, सबको भगा रहे थे इधर मैडम उधर मेन गेट के पास, मेरे बच्चे को भी इधर सुलाया, सोया रो रहा था लेकिन अभी सो गया है, तो अभी थोड़ा नीचे बैठा दिया है, मैंने भी अभी 2-3 घंटे से मैं भी उठा के पकड़ के अभी बैठा था, अभी सो गया है भाई, नीचे सुला दिया है। 10 बज गए अभी, मैडम वगैरह आने वाली है, मैं ना सोनू को अभी तक कुछ खाना पिया है नहीं, इधर बैठी है मेरी मम्मी, अभी मैडम का इंतज़ार कर रहे हो, मेन डॉक्टर आने वाला है ना, तो उसके बाद में सोनू को कुछ खाने के लिए मंगाया तो भी उसको खिलाना पड़ेगा ना यार, कम से कम 3 दिन हो गया है अभी, आज 3रा दिन है, तो देखेंगे कल उसको थोड़ा कुछ वो आटे का ये पिलाया था, वो गंजी बोलते उसको, वो पिलाए थे, तो पहले दिन चाय पिलाया थोड़ा सा, उसके बाद में 3रा दिन में अभी कुछ क्या देते क्या मालूम, कुछ खिलाने के लिए बोले तो ला के खिलाना पड़ेगा, तो बच्चे को दूध तो पिलाना पड़ेगा ना, दूध नहीं आ रहा है, तो अभी कुछ तो क्या खाना खिलाया तो ही तो दूध निकलेगा ऐसा बोला गया है, देखेंगे। रात भर तो बहुत ही रोया है बच्चा, तो अभी मैडम आया था लेकिन अभी बोलिए जूस पिलाने के लिए और कुछ मीठा सोच खीर वगैरह पिलाने के लिए बोला है, तो अभी मैं जूस लाने के लिए जा रहा हूँ, कल से थोड़ा कुछ मीठा अच्छा अच्छा खाने के लिए बोला है, तो अभी मैं फिलहाल अभी जूस लाने के लिए जा रहा हूँ, तो जूस पिलाते हैं और भी पिलाते खिलाते हैं, थोड़ा सा खिलाना जरूरी नहीं भाई, वो मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब खिलाने के लिए बोलेगा कब क्या नहीं, मतलब भूख से मर रही यार, कितने 3 दिन हो गया यार, कुछ भी खाया नहीं यार, पिया नहीं, पानी पिलाने को देता नहीं है, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ नहीं, तो कहाँ मिलता है, देखेंगे जल्दी से ले गया तो मुझे शायद उधर आगे मिलने वाला लग रहा है मेरे को, वहाँ पे आगे नारियल के पानी के पास एप्पल जूस, हाँ फ्रूट शायद आगे मिलता होगा, उधर जूस मिल जाए तो अच्छी बात है ना, जूस बोला है ना, देखता हूँ अभी यहाँ पे मिलता होगा। लिया एक गर्म पानी एक बॉटल 1 लीटर और सीरा वगैरह ले लिया और ये अपना एप्पल जूस भी ले लिया। यहाँ पे ट्रैफिक देखो भाई कैसा है, देख के चलना पड़ता है, इधर आगे देख के चलना पड़ता है, ऐसे इधर देख के चलना पड़ता है, वरना गाल देता है उसको वांगे पे डाल देता है, उसके बाद में इधर भी देखना पड़ता है, इधर दोनों तरफ देख के चलना पड़ता है, इधर कैसे आ रहा है देखो। ऊपर लिया यार
खाली ये इतना छोटा सा है और 15 रुपए में बोल रहा है यार, कितना महंगा बेच रहे देखो इधर हॉस्पिटल की जगह पे, इधर सब सभी चीज़ है ना महंगाई में बेचता है देखो यार, लूट रहे सब लोगों को। कोई भी चीज़ लिया ना भाई बाहर में इतना महंगा देते ना भाई, क्या बताना यार, जो भी चीज़ खरीदो पानी या हो या कुछ भी हो इतना डबल डबल पैसा लेता है ना भाई, बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। और सामने वाले कैसे मालूम है कि इधर सब पेशेंट आते हैं ना, उधर कुछ भी करके लेना पड़ता ना, वहाँ बच्चों के लिए महिलाओं के लिए उनको लेना पड़ता ना, तो इसकी वजह से सब है ना भाई लेने के लिए इतना सब आगे पीछे सोचते नहीं, लेना पड़ता उन लोगों को। अभी हम जा रहे हैं अभी घर पे, अभी दोनों सिस्टर को लेके जाता हूँ घर पे गब्बर को, और कल मैं अकेले आऊँगा शाम को, अभी शाम को आता हूँ वापस से, चलते हैं अभी फटाफट घर को गब्बर को। फाइनली मैं गब्बर में आ चुका हूँ मेरे सिस्टर के घर पे, अभी नहाना है और खाना मीना पैक करके लेके जाना है। आज मटन भी लाया हूँ मैं मेरी मम्मी के लिए, मम्मी खाती है ना, तो इसके वजह से अभी हम लोग तो बाहर खा रहे हैं चिकन मटन सब खा रहे हैं, मतलब चिकन ही खा रहे हैं बिरयानी वगैरह, तो इसके वजह से मटन लाया हूँ आज, तो ये पैक करके बना के ले जाने वाला हूँ। अभी मेरी सिस्टर अभी गांव में, आज बाज़ार भी है ना इधर का, सोमवार के दिन बाज़ार रहता है इधर का, तो बाज़ार कर रही है, तो अभी मैं जब तक मैं नहा लेता हूँ फटाफट और मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो फाइनली मैं अभी इधर पहुँच गया हूँ और गब्बर से इधर पे आ गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया अभी मुझे आए हुए इधर, लेकिन मैं इधर बाहर आया था ना अभी, सिस्टर भी चली गई मेरी, बड़ी सिस्टर भी चली गई और छोटी सिस्टर है, तो फिलहाल अभी आ गया हूँ मैं, अभी थोड़ा सिरा लेने गया था बाहर, सिरा और थोड़ा गर्म पानी के लिए, गर्म पानी पीने के लिए चाहिए था ना, तो इसकी वजह से लाया हूँ अभी। आज यहाँ पे रूम चेंज कर दिया यार, 3 दिन में रूम चेंज करते रहते हैं, तो आज यहाँ पे चेंज कर दिया, बहुत ही लंबा दूर कर दिया है, कल उधर था तो आज इधर कर दिया है, इधर के अंदर में है, तो काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई आपने बताया ना कि आपको लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है, तो आपको बता देता हूँ कि भाई मुझे लड़का हुआ है, ये सब भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से और आप सभी के सपोर्ट की वजह से लड़का ही हुआ है मुझे। तो आप ही बताओ भाई, भाई का मेरे बच्चे का नाम क्या रखेंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई क्या नाम रखूँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।